हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल एक्सपर्ट नोट्स में। आज हम जिस सेंटेंस की बात करने जा रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। चूंकि कंटिन्यूअस सेंटेंस है, इसमें वर्ब के एनजी फॉर्म ही लगती है और इसमें भी कुछ सेंटेंस पहले वाले होते हैं जिनके मैंने नियम नहीं लिखे, नीचे सीधा एग्जाम्पल लिख दिया है। गाइस, आगे चलने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग पीडीएफ में रिटन नोट्स चाहते हैं लिटरेचर के, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहीं आप हमें बताइएगा, हम आपको जरूर से सेंटेंस जितने मतलब कि नोट्स होंगे वो प्रोवाइड करा देंगे आपके एग्जाम से पहले, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे बिल्कुल। गाइस, अगर आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लेते हैं तो भी आपको हम तक पहुँचने का एक आसान तरीका मिल जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो पर कमेंट्स नहीं कर पाते हैं, देख पाते हैं, तो हम आपको बहुत आसानी से और इजीली अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे फेसबुक पेज पर। चलिए चलते हैं आगे, सेंटेंस को देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आएंगे लगेगा ही लगेगा, वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि सेंटेंस आते हैं। हेल्पिंग वर्ब है इसकी विल या शैल, प्लस हैव बीन लग जाता है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगा। नियम पर गौर देंगे जरा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। गाइस, यहाँ पर सिंस या फॉर के अलावा बाय का प्रयोग भी हो जाता है और फ्रॉम का भी प्रयोग हो जाता है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स हैं जो कहते हैं कि फ्रॉम का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं जो पुरानी ही चीज को फॉलो करते हैं। तो अगर समय में से आ जाए तो आप सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, और अगर तक आ जाए तो बाय का प्रयोग कीजिएगा, और उसमें भी आप ये देखिएगा फॉर का प्रयोग जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो देखें जरा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। WH word plus will shall plus subject plus have been plus will can be from plus object plus since for plus time question mark। ठीक है, वह दो वर्षों तक इस कंपनी में नौकरी करता रहेगा। कौन करता रहेगा? वह। He will have been doing the job in this company for 2 years। Okay guys, दो वर्षों तक वो इस कंपनी में नौकरी करता रहेगा। कौन? वह। He। समय और रहेगा आ रहा है तो इसलिए विल हैव बीन लग गया। उसके बाद करने की डूइंग, नौकरी की द जॉब में इन यह कंपनी दिस कंपनी तक के लिए हम यहाँ पर फोर लगाएंगे। ठीक, फोर टू इयर्स। ओके गाइस, बच्चा शाम तक नहीं सोता रहेगा। देखिए निश्चित वाला तक आ रहा है तो इसमें सिंस ना लगा के बाय का प्रयोग कीजिएगा। द चाइल्ड will not have been sleeping by evening। by evening क्यों? क्योंकि ये एक निश्चित समय है तो इसलिए हमने by लगा दिया। अगर आधा शाम से नहीं सोता रहेगा तो since लगा देते। ठीक है guys, इसके बाद देखेंगे क्या 2 घंटे तक बारिश होती रहेगी। will it have been raining, ठीक है जी, 2 घंटों से, 4 hours। हमारे अध्यापक 2 घंटे से कक्षा में क्यों पढ़ाते रहेंगे? क्यों? Why will our teachers have been, ठीक है, पढ़ाते रहेंगे teaching कक्षा में in the class 2 घंटे तक, 4 hours। Guys, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर interrogative negative होगा तो सब्जेक्ट के बाद में आप नोट लगा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।